एक नजरिए का खेल है। ऐसा हो सकता है अगर किसी को तुम बैड लग रहे हो तो किसी को तुम बैड एस लग सकते हो, और मेरे हिसाब से तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें बैड एस समझते हैं। अब देखा जाए तो बुरा बनने के काफी सारे फायदे हैं। पहला, तुम्हारे पास खुद के लिए काफी ज्यादा टाइम बचेगा। वो कैसे? तो जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ बनाए हुए सारे प्लान्स कैंसिल कर दोगे जो कि तुम पहले भी करना चाहते थे लेकिन अच्छा बनने के कारण नहीं कर पा रहे थे, तुम्हें उन्हें बस इतना बोलना है नहीं और ब्लॉक। देखा कितना सिंपल है।